खोराबार थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर देवर ने अपनी ही भाभी का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हत्यारोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि खोराबार थाना क्षेत्र के डांगीपार गाँव में रविवार की सुबह 38 वर्षीय रिंकू देवी पत्नी गुड्डू का शव अर्धनिर्मित मकान में लगभग 100 मीटर दूरी पर मिला। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि महिला का देवर ने ही हत्या की है। इसके बाद मौके से ही हत्यारोपी 35 वर्षीय मोनू पुत्र मौलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने हत्या का कारण प्रेम संबंध बताया है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त चाकू और आरोपी का खून से लथपथ कपड़ा बरामद किया है। गौरतलब है कि मृतिका का पति मुंबई में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता है, उसके 3 बच्चे भी हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, चली दुआ रे आज प्रातः 7 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। तत्काल सूचना पर इंस्पेक्टर खोराबार मेरे द्वारा एवं एसपी सिटी सर द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया। वहां पे जो सबूत मौजूद थे ग्राम वासियों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि महिला के कुछ लोगों से संबंध थे। इसी आधार पर कुछ लोग तस्दीक किए गए, जिसमें एक व्यक्ति जो उसका सगा देवर था, उसका नाम मोनू था, वो उसका कातिल निकला। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतल, महिला का मोबाइल एवं खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए। घटना होने पर और सूचना होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही इस घटना का, एक अज्ञात घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया गया। किन कारणों की वजह से उसने हत्या की? अभी तक जो जानकारी निकल के आई मोनू के बयानों से और गाँववासियों के बयानों से, वो यही स्पष्ट हुआ है कि ये अवैध प्रेम संबंधों को लेकर ही ये घटना कारित की गई। अभी अवैध प्रेम संबंध है, मोनू का यही कहना है कि हम लोग के संबंध थे, उसी बीच में हमको ज़्यादा परेशान करती थी, इसी से आज ही जाकर मैंने इसका कत्ल कर दिया।